तेलंगाना और आंध्र से आए हुए हमारे दलित आंदोलन के नौजवान साथियों, हमारे जॉइंट एक्शन कमेटी और अब जो फिर से दोबारा एक बड़े आंदोलन की भूमिका बन रही है उसके केंद्र में, जिन्होंने बहुत बड़े संघर्ष के बाद ये फैसला लिया कल शाम को यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, वो प्रोफेसर कोडन राम जी, आनंद राव जी और तमाम सिद्धार्थ जी, मैं आप लोगों से आज जो आपके आंदोलन को समर्थन देने के लिए आया हूँ। आंदोलन आपका दलितों का आंदोलन है, उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहे हैं खुद मुख्यमंत्री के अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में हो रहा है श्रीसल्ला में, और जो इस प्रकार से हत्या हो रही है, हत्या पर प्रोटेस्ट करने पर लोगों को टॉर्चर किया जा रहा, अरेस्ट किया जा रहा है, ये सारी बातें एक पूरा का पूरा सिस्टमेटिक तरीके से दलितों को अपमानित करना, उनके आंदोलन को तोड़ना और उनके मनोबल को भी मिटाना, ये सारा हमारा केसीआर की सरकार की एक योजना है। और इसलिए मैं केवल आंध्र के और तेलंगाना के नहीं, पूरे देश के दलितों का आह्वान करता हूँ, पूरे देश के आदिवासियों का आह्वान करता हूँ, हम सब लोगों को मिलकर के ये लड़ाई अपने लड़ाई बनानी चाहिए। हम अलग अलग लड़ाई लड़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे हम कोई अपने स्वार्थ की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारा स्वार्थ का लड़ाई नहीं है, अत्याचार के खिलाफ लड़ाई है। एक व्यक्ति के खिलाफ भी कोई अत्याचार होता है तो पूरा समाज आंदोलित होना चाहिए, पूरे देश के अंदर इसकी गूंज होनी चाहिए, और उसको यदि हम लोगों ने लड़ करके उसको मिटाया तो फिर आगे कोई अत्याचार करने की हिम्मत नहीं करता। लेकिन हम अलग अलग पिटते हैं, अलग अलग बाकी लोग तमाशा देखते हैं, इससे हमारा आंदोलन कमज़ोर होता है। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो नेशनल लेवल पर जितने भी और हमारे दलित संगठन हैं, आदिवासी संगठन हैं, महिला संगठन हैं, उन सबको एक मंच बनाना होगा, एक मंच बना करके किसान और मजदूर के मुद्दों को भी उठा करके बेरोजगारी कैसे खत्म की जाए, बेरोजगारी बढ़ रही है, नौजवान हताश और निराश हो रहे हैं, और जिनको रोजगार मिल भी रहा है उनको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा है। मैं आप जानते हैं मैं बंधुआ मजदूरों की लड़ाई लड़ता हूँ, बेटी चाकरी जिसको हम बोलते हैं, और आज मुझे 36 साल हो गए इस लड़ाई को लड़ते लड़ते। यहीं पर आपका ये गेट के अंदर हमारा ऑफिस है 7 जंतर मंतर रोड पे, 36 लॉन्ग ईयर्स हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट से जीत गया है बड़े बड़े फैसले, और जो सबसे बड़ा फैसला हमने जीता उसमें वो सीधे सीधे कहते हैं कि जिसको मिनिमम वेज नहीं मिल रहा वो बॉन्डेड लेबर है। आप पूरे आंध्र में तेलंगाना में आप हिसाब लगाइए, जो खेत में खेत मजदूर काम कर रहा, ज़्यादातर वो दलित, ईंट के भट्ठे में जो मजदूर काम कर रहा, पत्थर खदान में जो मजदूर काम कर रहा, वो आदिवासी और दलित लोग हैं। और पूरे के पूरे भारत में 86% जो बॉन्डेड लेबर हैं वो SC और ST है। ये जो सर्वेक्षण हुआ उसकी रिपोर्ट मैं बता रहा हूँ आपको। तो इतनी बड़ी संख्या में हमारे देश में अभी भी गुलाम है, अभी भी जिसको मॉडर्न डे स्लेवरी कहते हैं वो अभी भी चल रही है, मिनिमम वेज नहीं मिलता, और मिनिमम वेज फिक्स भी किया जाता है तो बहुत कम किया जाता है। गवर्नमेंट ऑफिस में काम करने वाले चपरासी के लिए, क्लास 4 एम्प्लॉय के लिए 7th पे कमीशन ने 26,000 रुपया 26,000 रुपीज पर मंथ, जो क्लास 4 एम्प्लॉय है जो एक दो फाइल इधर से उधर रखता है, एक आध क्लास पानी पिलाता है, उसके लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए 26,000 रुपया महीना, उसको 30 साल की सर्विस की गारंटी है। लेकिन हिंदुस्तान में 50 करोड़ 500 मिलियन जो हमारे दलित आदिवासी और पिछड़ों में अति पिछड़े जो गरीब लोग हैं, जो अनऑर्गेनाइज लेबर में हैं, उनके लिए कोई नेशनल लेवल पर मिनिमम वेज नहीं है, और जो स्टेट भी फिक्स कर रहा है उससे भी कम में वो लोग काम कर रहे हैं क्योंकि बेरोजगारी है। इसका मतलब है कि सारे के सारे 50 करोड़ लोग हिंदुस्तान में
एससी एसटी ओबीसी ये सारे के सारे बॉन्डेड लेबर की कैटेगरी में आते हैं। जिस देश में 50 करोड़ लोग गुलाम हो वो देश अपने आप को आजाद कैसे कह सकता है, ये सबसे बड़ा सवाल है। नरेंद्र मोदी के लाल किले से भाषण दे देने से तो देश आजाद नहीं हो जाएगा, और वहां पे उन्होंने गलत गलत आंकड़े दिए। उनकी अपनी गवर्नमेंट कुछ और कह रही है, उनका इकोनॉमिक जो एडवाइजर कुछ और बोल रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर कुछ और बोल रहा है, और प्राइम मिनिस्टर कुछ और आंकड़े दे रहा है। बहुत बुरा हाल है पूरे देश के अंदर, विकास के झूठे दावे किए जा रहे हैं और सबका साथ सबका विकास की बात कही जाती है, लेकिन सबका साथ नहीं है और सबका विकास भी नहीं है। केवल थोड़े लोगों का, पूंजीपतियों का, अमीरों का विकास हो रहा है, उनकी दौलत बढ़ रही है। 1% अमीर लोगों के हाथ में, 1% इंडियन, उनके पास वेल्थ 60% से ज़्यादा 1% के पास। ये जो रिसर्च हुआ ऑक्सफैम का, उसकी रिपोर्ट मैं बताना ये चाहता हूँ कि हमारी सारे देश की नीतियाँ, किसान और मजदूर और आदिवासी हमारे सारे के सारे प्रताड़ित हो रहे हैं। आपके बगल में बैठे आपके तमिलनाडु के किसान, आप देख रहे हैं उनकी हालत कितनी खराब है, और ये पिछले कई महीने से इस तरह का आंदोलन कर रहे हैं। इसलिए पूरे देश को आज एक नए आंदोलन की जरूरत है। पूरे देश के नौजवान, विद्यार्थी हों, और चाहे वो किसान मजदूर हों, दलित हों, और इस आंदोलन का नेतृत्व हमारे दलित भाइयों को, बहनों को करना चाहिए। मैं आपसे ये निवेदन करूंगा कि हमें जो बॉन्डेड लेबर सिस्टम है और उसमें चाइल्ड बॉन्डेड लेबर सिस्टम, इसको भी शामिल करके गुलामी के खिलाफ, जो मॉडर्न डे स्लेवरी के खिलाफ बहुत ज़बरदस्त आवाज़ उठानी चाहिए। हमारे देश से स्लेवरी खत्म नहीं हो सकती जब तक सबको रोजगार की गारंटी नहीं है। अनऑर्गेनाइज लेबर को भी रोजगार की गारंटी होनी चाहिए। जो मनरेगा है उसमें भी 42 डेज का कुल रोजगार मिला, सरकार की रिपोर्ट कहती है 42 डेज। अब 42 डेज में 365 दिन कोई कैसे काम चलाएगा? 42 दिन रोजगार मिलेगा एक साल में, और पूरा 365 दिन उसको रोजगार में अपना काम चलाना है, वो नहीं चला सकता। और इसलिए बहुत ही बुरी हालत है हमारे देश में मजदूरों की और किसानों की, और इसके लिए इस आंदोलन को आप लोग आगे ले चलिए। हमारे जैसे साथी जो लड़ते रहे आज से नहीं, बहुत सालों से, और हमारी लड़ाई कई फ्रंट पर है, और हम बताना चाहते हैं ये जातिवाद का भी समूल उच्छेद होना चाहिए। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा था एनाहिलेशन ऑफ कास्ट का मतलब पूरा का पूरा जर्मना जातिवाद समाप्त होना चाहिए, अंतर जाति विवाह होने चाहिए, और कोई जन्म के आधार पर जातिवाद बचना नहीं चाहिए। इस लड़ाई को हम लोगों को बहुत तेज करने की जरूरत है। जब तक हम अपनी आपस की एकता नहीं करेंगे, जातिवाद को खत्म नहीं करेंगे, शराब जो है गांव-गांव में फैली हुई है। जब हमने तेलंगाना का आंदोलन चलाया था तब हमने उम्मीद की थी कि नया तेलंगाना बनेगा तो शराब बंद होगी, लेकिन नया तेलंगाना बना है शराब जो कि त्यों चल रही है, और शराब से सबसे ज़्यादा कोई पीड़ित होता है तो गरीब आदमी होता है, दलित होता है, किसान होता है, और तो साथियों मैं अधिक समय न लेते हुए मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, एक बड़े आंदोलन की तैयारी कीजिए, बहुत बड़ा आंदोलन, और कोडंड राम जी ने ये बागडोर संभाली है, और पूरे तेलंगाना से शुरू करके हम आंध्र को भी लेकर के और पूरे दिल्ली तक सारे देश को इस तरह से बुनियादी सवालों के ऊपर, जहां हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, वो लागू नहीं हो रहा, उसकी धज्जी उड़ाई जा रही है,
और जो बात बाबा साहब ने कही थी संविधान को समर्पित करते हुए, यदि आपने एक वोट और एक आदमी एक नागरिक जिसके बल पर सोशल और इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं लाए तो पॉलिटिकल इक्वालिटी किसी काम की नहीं रहेगी। ये बहुत बड़ी चेतावनी उन्होंने हमें दी है। तो संविधान को यदि ईमानदारी से लागू करना है तो उसका तकाजा है कि जो भी हमारे समाज में सामाजिक गैर बराबरी आर्थिक गैर बराबरी है वो दूर होनी चाहिए। मैं ये मानता हूँ कि कोई भी परमात्मा कोई भी देवड़ू हमको ऊंच और नीच पैदा नहीं करता, कोई हमको हिंदू मुसलमान पैदा नहीं करता। ये जात पात चालाक लोग बनाते हैं, धूर्त लोग बनाते हैं, बेईमान लोग बनाते हैं। ऊंची जात और छोटी जात, एक बच्चे को पैदा होते ही ऊंच बोलते ऊंचा और एक बच्चे को पैदा होते नीच बोलते छोटा, ये बिल्कुल गलत है, हमको स्वीकार नहीं करना। क्योंकि ऊंच का बच्चा भी उसी हवा में सांस लेता, नीच का बच्चा भी उसी में सांस लेता। ये सूरज की रोशनी दोनों के लिए बराबर है, ये पेड़ की छाया दोनों के लिए बराबर है। जब ये परमात्मा की सृष्टि में कोई भी गैर बराबरी नहीं है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं है, तो ये जात पात बनाने वाले ठेकेदार कहाँ से आए, समाज को तोड़ने वाले बांटने वाले लोग कहाँ से आए। इसलिए जातिवाद के विरुद्ध विद्रोह करना और सबको बराबर शिक्षा का अधिकार देना, एक भी बच्चा शिक्षा में और उसको समान सुविधा मिलनी चाहिए, अमीर से अमीर के बच्चे की पढ़ाई और गरीब से गरीब की पढ़ाई में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। आपके तेलंगाना में कल जो मैंने वहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में सुना, पूरी पढ़ाई को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, गवर्नमेंट स्कूलों को ख़त्म किया जा रहा है। उसका कारण है कि पूंजीवाद चाहता है कि प्राइवेटाइज हो जाए तो पढ़ाई भी एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री और बिजनेस बन जाएगा उनके लिए, क्योंकि शोषण करने के लिए उनके पास बहुत बड़ा एक साधन मिल जाएगा। हेल्थ केयर स्वास्थ्य के लिए आप देखते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल कम हो रहे हैं। हम लोगों को मांग करनी चाहिए कि जो सरकार में है, चाहे वो KCR है या उसके रिश्तेदार हैं, चाहे कलेक्टर है, चाहे कोई SP है, यदि कोई गवर्नमेंट में है उसके बच्चे सरकारी स्कूल में ही पढ़ने चाहिए, और यदि उसको प्राइवेट में पढ़ाना है तो पढ़ाओ, लेकिन सरकारी नौकरी छोड़ दो। सरकारी नौकरी पर यदि रहना है तो तुम्हें अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में पढ़ाना पड़ेगा। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस सुधीर अग्रवाल का जजमेंट, ये हमें पूरे भारत में लागू कराना है। जिस दिन सरकार के बड़े अफसरों के बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ेंगे, मंत्री का बच्चा पढ़ेगा, MP का, MLA का बच्चा पढ़ेगा, तो आप देखेंगे सरकारी स्कूल का स्तर ऊंचा हो जाएगा, अच्छा बन जाएगा, मिड डे मील की क्वालिटी बढ़ जाएगी, वहाँ बेंच कुर्सी सारा इंतजाम होगा, खेल का मैदान, खेल का सामान, टॉयलेट, सारी सुविधाएं अपने आप आ जाएंगी। और अभी कोई सरकारी कर्मचारी इंक्लूडिंग सरकारी टीचर भी अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ाता, प्राइवेट स्कूलों में ले जाते हैं। इसका कारण यही है कि प्राइवेट स्कूलों में बहुत फीस लगती है, बहुत ज़्यादा खर्चा है, गरीब अपने बच्चे को नहीं पढ़ा सकता, और गरीब के बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वही बंधुआ मजदूरी करते हुए मर जाएंगे और अपने पीछे तीन चार और बंधुआ मजदूर छोड़ के जाएंगे। ऐसी हालत में हमें शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी परिवर्तन के लिए सोचना चाहिए। इसी तरह से अस्पताल, प्राइवेट अस्पताल बढ़ रहे हैं, सरकारी अस्पताल, सरकार में कोई भी मंत्री है या संतरी है उसका इलाज सरकारी अस्पताल में ही होना चाहिए, और यदि सरकारी में नहीं करना चाहते तो सरकार की कुर्सी छोड़ दो, वहाँ पर कोई दूसरा आकर के अपना काम करे। यदि हम लोग बुनियादी सवालों को लेकर के संगठित होकर के आंदोलन करेंगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि एक नई आज़ादी की लड़ाई, एक नई स्वतंत्रता की लड़ाई इस देश के अंदर शुरू होगी, और गैर बराबरी किसी भी इंसान और इंसान के बीच में कोई सामाजिक आर्थिक गैर बराबरी नहीं होनी चाहिए। सबके लिए रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई और दवाई, ये 5 चीज़ें बराबर होनी चाहिए। इंसान इंसान के बीच में कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए, जो उनके भोजन में, कपड़े में, मकान में और उनकी पढ़ाई और दवाई में। यदि इस लड़ाई को आप लोग मुद्दा बनाते हैं तो उसके लिए जब भी मुझे आदेश करेंगे
आप सब साथी मिलकर के कहेंगे हम आपकी लड़ाई में पूरी ताकत के साथ शामिल होंगे। मेरे साथ मिलकर के जोर से मुट्ठी बंद करके जो मेरे दलित भाई यहाँ पर इकट्ठे हुए जोर से नारा लगाएंगे। मैं कहूंगा कमाने वाला आप कहेंगे खाएगा और लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा। कमाने वाला आएगा, कमाने वाला आएगा, कमाने वाला आएगा। चिंता रहे जो काम करता है वही खाएगा और जो लूटता है वो जाएगा, नया जमाना आएगा। ठीक है, कमाने वाला आएगा, लूटने वाला जाएगा, लूटने वाला जाएगा, नया जमाना आएगा, नया जमाना आएगा। और मैं पूछूंगा कौन लाएगा, आप कहेंगे हम लाएंगे। कौन लाएगा, हम लाएंगे। कौन लाएंगे, हम लाएंगे। बहुत अच्छा, ये नारा केसीआर के काम तक पहुंच गया है और मुझे पूरा विश्वास है उसकी कुर्सी हिल रही होगी, समझ रहे ना। तो आप लोगों का दिल्ली आना, मैं आपको मुबारक देता हूं। आंध्र और तेलंगाना से चल करके यहां आकर के पार्लियामेंट के सामने आप लोगों का प्रदर्शन करना एक बहुत मायने रखता है, बहुत ताकत की बात है। तो इसके लिए बधाई आपको और इसी तरह से जगाते रहिए, पूरे समाज को संगठित करते रहिए। जितने भी दलित हैं अर्थात गरीब हैं शोषित हैं उन सब की एकता होनी चाहिए। इस लड़ाई को हम लोग लड़के जीत करके दिखाएंगे। मेरे साथ एक नारा लगाइए, मैं कहूंगा लड़ेंगे, आप कहेंगे जीतेंगे। लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे, लड़ेंगे, जीतेंगे। जय माला, जय माला, जय माला, जय माला, जय माला, जय माला। लाइक के तो अंडी चले तेरे तेरे में दाँड में दो, अंडी दाँड में दो, अंडी दाँड तेरे तेरे पे दाँड में दो, अंडी दाँड में दो, अंडी दाँड तेरे तेरे पे मेरा तेरे पे अलग अलग वर्ग के तेरे तेरे पास के दाँड में दो, अंडी दाँड।